हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले टेक महिंद्रा शेयर और इसके लेटेस्ट टारगेट के बारे में। इसका करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो, 1000 के ऊपर है और 1000 रुपीज़ है और 1% डाउन है। और बेस्ट टाइम है बाइंग अपॉर्चुनिटी का। किस लिए मैं बोल रहा हूँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब करना मत बोलना दोस्तों, और फ्रेंड के साथ शेयर पक्का करो। देखो, इंटेंसिक वैल्यू ग्रीन है, रिटर्न जो है FD वो भी ज़्यादा है और डिविडेंड भी अच्छा खासा फेट करता है। एंट्री पॉइंट गुड है और AGM लिस्ट में भी नहीं है। इसका जो पी जो है सेक्टर पी से बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है और गुड मैनेजमेंट है। आप भरोसा कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम है। 83% एक्सपर्ट और एनालिसिस की राय है कि बाइंग किया जा सकता है इस टाइम पे, और बाइंग का टारगेट भी बहुत हाई है दोस्तों उनके हिसाब से, और आगे जाने वाला है। 9996 में भी ये गया हुआ था -1.41%, लेकिन अब फिर रिकवरी कर लिया है दोस्तों स्टॉक ने। और पांच स्टॉक है ऐसा IT का, जैसे TCS, इंफोसिस, टेक महिंद्रा। एक्सपर्ट की राय है कि बाई ऑन डिप्स करो, क्योंकि ये जो है सिर्फ इनका जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस पे है। देख सकते हो बिजनेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एज रिलेटेड सर्विस है। जो भी सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड है वो आने वाले टाइम उसी का है, फ्यूचर उन्हीं का है दोस्तों। तो आप हर डिप्स पे बाई करो। देखो प्रॉफिट और रेवेन्यू और प्रॉफिट का कितना शानदार आपको यहाँ पे एक चार्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। लो प्लेजिंग प्रोमोटर होल्डिंग है, ये सबसे बड़ी बात होता है, और इसी के ऊपर डिपेंड करके इन्वेस्टर आते हैं अट्रैक्ट होके और बाई करते हैं एवरी डिप्स पे। ये स्टॉक आज मूव नहीं हुआ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। किस लिए बोल रहा हूँ, IT जॉब्स डिमांड पे है और 1,10,000 आपका ये तीनों कंपनी ने आपका जॉब जनरेट करके दिया है अपने देश भर में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाला टाइम सर्विस सेक्टर का ही होने वाला है। मैनेजमेंट के ऊपर पूरा आग बंद करके भरोसा कर सकते हो। और अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे स्टेट में, तो इसका सारा बेनिफिट सर्विस सेक्टर पे जाने वाला है, मतलब घुमा फिरा के IT सेक्टर में ही आने वाला है। तो रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है दोस्तों, और क्वार्टर टू क्वार्टर आप जितने भी होल्ड करके रखोगे इस कम जितने भी कम रेट में, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अब देख सकते हो एक्सपर्ट की क्या राय है, बाउंस बैक है, बायोन्सी है और हायर प्रोजेक्टेड एट्रीब्यूशन है। 96,835 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये बहुत बड़ी बात होता है। और फेस वैल्यू 5 का है, अभी भी स्प्लिट हो सकता है, ये मैं आज बताने वाला हूँ। एक्विजिशन आज ही हुआ है और एक्विजिशन भर भर के म्यूचुअल फंड उठाया गया है। आज 19 अप्रैल 2021 में आज एक्विजिशन हुआ है टेक महिंद्रा में, ये सबसे बड़ी बात होता है दोस्तों, क्योंकि एक्विजिशन आज मार्केट गिरा है फिर भी इस स्टॉक में खरीदारी हुआ है, सबसे ज़्यादा माल उठाया गया है और म्यूचुअल फंड ये सब माल उठाया, तो ये सबसे बड़ी बात होता है इन्वेस्टर के लिए। आप जानो सर, और ऐसा ऐसा वीडियो लाने के लिए थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। देखो बेस्ट ये 50 डेज के मूविंग एवरेज DMA के से ये रिटर्न बाई बाउंस बैक मार रहा है बार बार। कंपनी का ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी मेंटेनिंग किया है 31% CAGR, और कंपनी का ओवर पास्ट 5 ईयर का 10 पॉइंट ये ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है। ग्रोथ ना कम, 5 ईयर का आप देखेंगे नहीं, क्योंकि फिलहाल पिछले साल से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। 1896 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,000 का आसपास है, क्योंकि लॉकडाउन और कोविड के चक्कर में IT के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस, जितने भी बिजनेस सब कुछ ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड है। तो CAGR देख सकते हो 19%, 1 ईयर का 96%, और कंपाउंड ग्रोथ भी देख सकते हो 8%, 1 ईयर में 96%। तो अब देखो कितना ज़्यादा CAGR है एक ईयर में, क्योंकि आप जानते हो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ था, तो सब कुछ IT और ऑनलाइन सर्विस के ऊपर डिपेंड हुआ था। ROCE 22% जो फिलहाल के मार्च 2018 में अगर देखें तो 25%, तो एवरेज 25% मेंटेन किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होता है और बहुत अच्छा भी होता है। शेयर होल्डिंग देखो दोस्तों, प्रोमोटर 35%, FII DII 13% और गवर्नमेंट भी 0.17%।